हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो आज मैं अपने गांव जा रहा हूँ 4 साल बाद। बहुत लंबा टाइम हो गया गांव नहीं गया, तो आज फाइनली डिसाइड किया है कि गांव जाता हूँ। मौसम भी काफ़ी चेंज ही है, बट फिर भी मैं गांव के लिए निकलता हूँ। थोड़ी देर में तैयार तो हो गया हूँ, लोअर वगैरह में जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, और मैं दिखाऊँगा रास्ते में आपको अच्छे अच्छे नज़ारे जो हमारे उत्तराखंड के हैं। देखते हैं क्या होता है। ये मम्मी यहाँ पर प्रेस कर रही है कपड़ों में, एक दो दिन के लिए जा रहे हैं, वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं, परसों आ जाऊँगा वापस। और ये प्रेस हो रही कपड़ों में और तुरंत निकलता हूँ क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो ये हो गया, मैं अभी रेडी। ये नाना जी यहाँ पर बैठे हैं। अब मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है, तुरंत निकलना पड़ेगा, नहीं तो बारिश होगी तो फिर घर वाले जाने नहीं देंगे। इससे बढ़िया पहले निकल जाता हूँ। अब फाइनली मैं मसूरी के नीचे पहुँच गया हूँ, और थोड़ा सा इसका शीशा ढीला हो रहा था तो शीशा टाइप किया, और चलता हूँ आगे के लिए। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए पीछे पूरा कोहरा लग चुका है। मैं यहाँ थोड़ा सा बैठ गया, यहाँ पर चाय वगैरह पकौड़ी वगैरह खाता हूँ। ये मेरा छोटा भाई, ये देखिए, ये भाई आज काम करता है, बहुत ही अच्छा है लड़का। और अभी भाई को ऑर्डर दिया है मैंने चाय पकौड़ी का, तो अभी आ रही है, उसके बाद चलते हैं आगे। ये चाय पकौड़ी पी ली है, तो जब कभी भी आए तो इस रेस्टोरेंट में, गढ़वाल रेस्टोरेंट, ये जो है आपका कोलू खेत की जो वो है टोल टैक्स, उसके जस्ट नीचे ही मोड़ पे है। ये देख सकते हैं आप मोड़, ये है वो मोड़, उसके थोड़ा सा नीचे है। ये गढ़वाल रेस्टोरेंट नाम से है, बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से। जब कभी भी आप आएंगे तो इधर रुक सकते हैं और यहाँ पर अपना जो भी स्नैक्स वगैरह हो, चाहे हैवी आइटम हो, कुछ भी खा सकते हैं आप। यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा, नहीं मौसम फिर दोबारा से ख़राब हो चुका है। फटाफट जल्दी निकलूँगा तभी जल्दी पहुँच पाऊँगा। इधर पहुंच गया था, और अब ये दादा जी दिख रहे पीछे, इन्होंने सही रास्ता बताया। इसके आगे जो है वहाँ से मेरा गांव का रास्ता नहीं है, रास्ता जो है ये है नीचे जहाँ वो दादाजी खड़े हैं। और यहाँ से थोड़ा सा रूट ख़राब है, पर जब भी आप ऐसे एरिया में आएँ तो थोड़ा सा ध्यान रख के आएँ कि यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा बहुत है, पत्थर गिरते हैं ऊपर से पहाड़ से। तो बी सेफ, कीप राइडिंग। तो गाइस मैं पहुंचने वाला हूं, आप ये देख सकते हैं, ये जो मार्केट दिख रही है आपको, ये मेरे गांव की मार्केट है, मैंडखाले इस गांव का नाम। और वो देखिए ऊपर जो है वो नागर का भगवान जी का मंदिर बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए। और इसी के नीचे ये जो गांव है, यही है मेरा गांव, मंजिलवाल गांव। ये देख सकते हैं आप, मार्केट देख सकते हैं, ये रही मैंडखाल मार्केट, जो कि काफ़ी 20-25 गांव की मार्केट है शायद। और ये मंदिर बन रहा है ऊपर, अभी पहुंचा ही था मैं, और तो अब थोड़ा देवता के वहाँ जा रहे हैं, यहाँ देवता जा रहा है ना जसपुर, तो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ के व्यूज, दिखाता हूँ मेरे साथ इस व्यूज को आनंद लें आप। तो नीचे जो है गंगा जी है, पहले एक गांव, पहले यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट थी छाम नाम से, जो कि अब तो डूब गई है क्योंकि डैम के उससे पानी खोलने के चक्कर से डैम पूरा डूब गया। देखिए जो नीचे देख रहे हैं आप, वो गंगा जी है, छाम था वहाँ पर मार्केट, उसकी जो मार्केट है छोटी मार्केट वो ऊपर बना दी है कंडीसौर नाम से। तो अभी देवता गया है नीचे, एक जसपुर गाँव है वहाँ आज रुकेगा देवता, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग।
रात को स्टे वहीं होगा, खाना पीना सब वो लोग ही करते हैं जिसके गांव में देवता आता है। तो मेरे साथ जो है मेरा भाभी का भाई है जिसका गौतम नाम है, वो आगे चल रहा है मेरे साथ, जाते हैं पहुँचते हैं वहाँ पर, फिर वहाँ के व्यूज़ दिखाते हैं आपको। तो हम जैसे जसपुर पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बहुत ही अच्छा खाना और रहने की व्यवस्था की थी, और गढ़वाल के जो पानी है उसमें भी बहुत ही अच्छा टेस्ट है, जिसके कारण खाना जो है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था।